प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई और ठाणे के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बरसात का अनुमान व्यक्त किया गया था और इसके बाद कल से हो रही ठाणे, पालघर, रायगढ़, कसारा, करजत, खोपोली इन इलाकों में लगातार बरसात होने की वजह से इसका असर लोकल ट्रेन पर भी देखने को मिला है। ठाणे रेलवे स्टेशन के सुबह के वक्त की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोकल ट्रेन, बताया जा रहा था कि करीब 30 से 35 मिनट उस वक्त देरी से चल रही थी और जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जो ट्रेन मुंबई की दिशा से आने वाली थी ठाणे स्टेशन पर, जब ट्रेन आती तो ठाणे स्टेशन पर मौजूद यात्री पकड़ने के लिए किस तरह से ये भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं।